जी सर, मैं हबुलाल बिहार से। तो NLB इसमें एक प्रॉब्लम जो होता है कि जैसे इसमें 36 चैनल आते हैं और बाकी का चैनल नहीं आते हैं, तो इसमें होता क्या है, इसका वोल्टेज बढ़ जाते हैं। इसमें 17-18 वोल्टेज से नीचे 13 वोल्ट तक, ऊपर 18 वोल्ट तक रहना चाहिए। अगर 18 से ऊपर हो गए तो फिर इसका चैनल आपको कम ज़्यादा मिल सकते हैं, या 13 से नीचे हो जाए तो आपको सिग्नल में वीक मिलेंगे, आपका सिग्नल सही नहीं आएंगे। तो इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पे इसका इनपुट है 12 वोल्ट, अगर 12 वोल्ट आपको नहीं मिलेंगे तो इधर आपका सिग्नल नहीं मिलेंगे, सेट ओके रहेगा, चालू हो जाएंगे, लेकिन आपको सिग्नल सिर्फ नहीं मिलेंगे। तो 12 वोल्ट आपका प्रॉपरली मिल रहे हैं, 24 वोल्ट का लगभग समझिए इसमें कोई वर्क नहीं है, और उसका जो भी वर्क हो उसके बारे में पता भी नहीं है। तो 24 वोल्ट, इसमें 24 वोल्ट भी आते हैं, 12 वोल्ट भी आते हैं इस ट्रांजिस्टर पहली वाली, एक तो यहाँ पे है एक पे है। तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, यहाँ पे 24, 21, 22 वोल्ट मिलने लगते हैं, जिसके कारण आपको 35-36 सिग्नल चैनल मात्र आपको दिखेंगे, और उससे आगे जितना बार आप सर्चिंग कर लीजिए डिलेट करके, आपको सिर्फ 36 चैनल ही आएंगे। अगर डिलेट करके नहीं करते हैं तो फिर दोबारा अगर सर्चिंग करते हैं तो फिर वही चैनल फिर आपको दोबारा मिल सकते हैं। तो आप या तो इनको निकाल फेंकिए, या यहाँ पे सप्लाइयाँ इन जो हो रहे हैं यहाँ 24 वोल्ट का, तो इसको वायर को कट कर दीजिए, दो में कोई काम करें तो आपका सेट ओके हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू।